मुझे उम्मीद है कि भारत का मदद से तिब्बत को आजाद कर पाएंगे। दलाई लामा जी, तिब्बत की आजादी के लिए भारत चीन से लड़ाई नहीं शुरू कर सकता। मुझे तो ये लगता है कि पूरी दुनिया मिलकर भी। बहुत बड़ी घटना हो गई, तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत हो गई। दलाई लामा को लगा कि चीन की फौज उनको गिरफ्तार करने वाली है। वो अपने कुछ साथियों के साथ तिब्बत से भाग गए और भारत की तरफ आए। भारत सरकार ने उनको आने की इजाजत दे दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद मसूरी गए उनसे मिलने। मुझे उम्मीद है कि भारत का मदद से तिब्बत को आजाद कर पाएंगे। दलाई लामा जी, तिब्बत की आजादी के लिए भारत चीन से लड़ाई नहीं शुरू कर सकता। मुझे तो ये लगता है कि पूरी दुनिया मिलकर भी तब तक तिब्बत को आजाद नहीं करा सकती जब तक चीन पूरा बर्बाद ना हो जाए। प्रधानमंत्री नेहरू का दलाई लामा से मिलना चीन को रास नहीं आया। दलाई लामा का जिस तरह से भारत में स्वागत हुआ वो भी उसे रास नहीं आया। ये तो साफ था कि तिब्बत के मामले में नेहरू चीन को और भड़काना नहीं चाहते थे, लेकिन दलाई लामा को इजाजत देने से ही चीन का मुद्दा और बढ़ गया। दोनों देशों में डिप्लोमेसी कम और राजनीति ज्यादा होने लगी। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स और बढ़ गई। अखबारों में तरह तरह की खबरें छपने लग गई। पार्लियामेंट में सवाल उठने शुरू हो गए और आहिस्ते आहिस्ते प्रधानमंत्री के हाथ से लगाम छूटती गई। अब अक्साई चीन की सड़क से लेकर मैकमहन रेखा तक चीन के रुख पर संसद में सवाल उठने लगे थे। प्रधानमंत्री चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे, लेकिन मसला संसद में थमा नहीं। सांसद उन पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाने लगे और आखिरकार उन्हें बड़ा फैसला करना पड़ा। इस आलोचना और विरोध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के सामने एक व्हाइट पेपर पेश करने के लिए मजबूर हो गए। और अगर उन्हें सोचा था कि ये व्हाइट पेपर पेश करने से आलोचना और विरोध कम हो जाएगा तो उन्होंने गलत सोचा, क्योंकि इस व्हाइट पेपर में जो जानकारी थी उसकी वजह से तो विरोध और बढ़ गया। दूसरी तरफ सीमा पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ये आकाशवाणी है, अब आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। उधर पूर्वी सीमा प्रांत जो है नेफा, उसके हमारी सरहद से आए इधर, और उन्होंने हमारे फौजी जो वहां दस्ते थे उन पे हमला किया था। उसके बाद काफी एक बड़ी जंग हुई वहां, उन्होंने हमारे उससे छोटी फौजों को हटा दिया और दबा दिया। रक्षा मंत्री वी के मेनन को युद्ध के दौरान ही इस्तीफा देना पड़ा। युद्ध के ठीक बाद तब के सेना अध्यक्ष जनरल थापड़ छुट्टी पर चले गए। लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल ने इस्तीफा दे दिया। चीन के इस लड़ाई में हिंदुस्तानी फौज बुरी तरह से हार गई और इस हार का अपमान, इसका घाव इन इस्तीफों से कोई कम नहीं हुआ। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या ये लड़ाई जरूरी थी? अक्साई चीन अभी भी चीन के कब्जे में है, अरुणाचल प्रदेश अभी भी हिंदुस्तान के साथ ही,